आज हम करेले बना रहे हैं। हम करेले काट के बनाएंगे। मैं छीलूंगी क्योंकि उससे इसकी करवाहट दूर हो जाती है दोस्तों। तो करेले को हमेशा छीलिए क्योंकि यदि हम ऐसे में नमक लगाएंगे तो इसे पानी नहीं छोड़ेगा, और इसे यदि हम जरा सा छील देंगे तो इसमें नमक लगा देंगे। नमक लगाने से पानी झट से निकल जाएगा कड़वा, और ये कड़वे नहीं बनते हैं। इसका राज यही है, पहली ट्रिक मेरी, कि आप करेले को हमेशा छील के बनाएं और उस छिलके को फेंके नहीं, उसे भी यूज करें। आज मैं आधा किलो करेले और पाव भर प्याज ले रही हूँ। चलिए काट के करेले बनाते हैं। पहले इनको छीलेंगे। करेले को छील दिया है, इस तरह हमें छीलना है, और इसे हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। देखिए, दिखा देती हूँ छीलते किस तरह हैं। वैसे तो मैंने अपने वीडियो में डाला है भरमा करेले के रेसिपी में, चाकू से इस तरह इस पार्ट को पूरा छीलना है। इस तरह हो जाए हमारा करेला छील के, इस तरह का छीलना है। चाहे आप इसे इस चाकू से छीलिए, चाहे आलू छीलनी से इस तरह भी आप इसे पील छील सकते हैं। और किस तरह टुकड़े करना है वो मैं बता देती हूँ। पहले सभी करेले को छील लेते हैं। देखिए, मैंने करेले को मैंने कट कर लिया है छोटे टुकड़ों में। ये देखिए, छील के मैंने इनको काट लिया है। और मेरे करेले इस तरह के थे जब मैंने काटे, तो इनमें बीज इनका पका हुआ था। ये देखिए, एकदम सख्त बीज है, इसलिए मैंने बीजों को निकाल दिया है। दिखा देती हूँ, इस कलर का बीज था, ये एकदम पका हुआ बीज है, इसलिए मैंने सारे करेलों के बीज निकाल दिए हैं। और यदि आपका बीज पका हुआ ना हो, कच्चा हो, तो आप उसे काट सकते हैं, बाहर मत करिए। और ये काट के मैंने करेले को नमक लगा के रखना है। थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, इस तरह। अब इसको हम नमक लगा के रख देंगे, और तब तक हम प्याज काट लेते हैं। चलिए प्याज काट लेते हैं। प्याज को छील के इस तरह काटा है। प्याज को हमें बारीक नहीं काटना है, इतने मोटे टुकड़े में कट करेंगे, और इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। इतना पतला रहना चाहिए। ये देखिए, मैंने प्याज को काट के रेडी कर लिया है। अब करेले को मैंने 10 मिनट के लिए नमक लगा के छोड़ दिया है। 10 मिनट हो गया है दोस्तों इनको नमक लगा के रखे हुए। ये देखें, अब इस तरह हम दबा दबा के सभी पानी को निकाल देंगे करेले के। उसके बाद ही हम साफ पानी से इसे धोएंगे। चलिए इसको निचोड़ लेते हैं इस तरह। ये देखें, मैंने इसे निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद मैंने ये बाउल रख लिया है जिसमें पानी ले रखा है, इसमें डालते जाएंगे। इस तरह निचोड़ेंगे इसको। ये देखें, ये पानी निकल रहा है करेले का। पहले हम कड़वा पानी ऐसे ही बिना पानी में डाले निचोड़ना है। नमक लगे करेले को पानी में नहीं डालना है। पहले पहले हम इस तरह निचोड़ेंगे, उसके बाद ही हम इसे पानी में डालेंगे। इससे इसकी करवाहट जो है वो पूरी निकल जाएगी। पहले निचोड़ना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, उसके बाद ही इसे पानी में डालें। चलिए कर लेते। तो ये जो करेले काट के मैंने निचोड़े हैं, ये उसी का पानी है। कोई मैंने बाहर से पानी यूज़ नहीं किया, ये करेले से निकला है इतना सारा पानी। इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इसका मैं जूस बना के पी लूंगी। ये बहुत फायदा करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो करेला है इसको मैंने पानी में, इसे अब पानी से भी हम इस तरह निचोड़ के ही निकालेंगे, ताकि और इसमें जो कड़वाहट है वो अच्छे से निकल जाए। चलिए सभी को निचोड़ के प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह। तो ये देखिए, मैंने करेले को रेडी कर लिया है निचोड़ के। ये देखिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसके मसाले रेडी कर लेते हैं। सूखे कढ़ाई गैस पे रख दी। आधी चम्मच मेथी दाना, इसको हल्का सा सोटे करेंगे। स्लो गैस पे हम इसको हल्का सा भून लेंगे। आधी चम्मच जीरा है, जीरे को भी मेथी दाने के साथ भून लेंगे। थोड़ा सा मगरेल है, इसको कलौंजी भी बोलते हैं, अचार वाली जो अचार में डालते हैं। ये देखिए, हल्का सा इसे सोटे कर लेंगे। हल्का सा ही भूनना है, भून चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। चलिए निकाल लेते हैं। 1 चम्मच सौंफ है, इसको भी भूनेंगे इसी तरह।
गैस की फ्लेम स्लो करके ही भूनना है सारे। सौंफ का कलर भी बदल गया और सौंफ चटकने भी लगी है। ये भुन चुकी है, अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। एक स्पून धनिया पाउडर, धनिया है खड़ा, इसको भूनेंगे। एक स्पून और ले रहे हैं, ये देखें मैंने 2 स्पून धनिया लिया है, अब इसे भून लें। गैस की फ्लेम स्लो करके ही भूनना है हमें इसे। अब आ जा रही है, ये देखें अब गैस की फ्लेम बंद करके इसे निकाल लेंगे। दोस्तों मैंने मसाले को भून लिया है, अब इसे हम मिक्सी ठंडा होने पे मिक्सी में पीस लेंगे। चलिए अब हम ऑयल को कढ़ाई में डाल, मैं ऑयल चढ़ा दिया है गैस पे और ये गरम हो गया है अच्छे से। अब हमने जो करेले निचोड़ के रखे हैं पानी से निकाल के वो डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे इस समय। करेले इस तरह के भुन गए हैं, हम इसे ऑयल में ही हल्का सा फ्राई करते हुए पका लेते हैं। इसको आधे पक चुके होते हैं ये इस तरह, ये देखिए जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा हम इन्हें बाहर कर लेंगे। ये इस तरह के हो गए हैं अभी, अभी हम इसे और पकाएंगे। ये मैंने इस तरह 1 मिनट इसे फ्राई कर रही हूँ मीडियम गैस करते हुए। अब मैं गैस की फ्लेम तेज कर दूंगी। 1 मिनट हो गया है, ये गल चुका है, दिखा देती हूँ, आधा पक चुका है और आधा हम इसे मसालों में पकाएंगे। इसे हम बाहर कर रहे हैं, चलिए बाहर कर लेते हैं इनको। इन्हें बाहर कर रहे हैं, ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है अच्छे से। किनारे पे लेके हम बाहर कर लेंगे ताकि ऑयल बाहर ना आए। ये देखिए एक तरफ में इनको रख दे रही हूँ इस तरह प्लेट में, सभी को निकाल लेते हैं। चलिए निकाल, बचे हुए करेले को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। चलिए फ्राई कर लेते हैं। करेले को प्लेट में निकाल लिया है ये देखिए, और जो ज़्यादा ऑयल है इसे भी हम बाहर कर लेंगे का है। अब मैंने जीरा और थोड़ी सी सौंफ ली है, आधी चम्मच जीरा है तो आधी चम्मच सौंफ है। अब इसे हम डालेंगे ऑयल में। सौंफ हमारी क्रेकल हो गई है, अच्छे से चटकने की आवाज़ आ रही है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब इसको हम इस तरह पलट अलग पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। मीडियम गैस पे ही प्याज को हमें फ्राई करना है इस तरह। अभी ये प्याज जितनी ज़्यादा दिख रही है उतनी ही पकने के बाद कम हो गए आधी हो जाएगी। इसको इस तरह अलग पलट करते हुए हम पकाएंगे। देखिए प्याज कम होने लगी है, जैसे जैसे ये भुनती जाएगी प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये कम हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी पकने के बाद। देखिए इस तरह हम इसे पका लेंगे थोड़ी थोड़ी देर में अलट पलट करते हुए ताकि ये जले नहीं, और गैस की फ्लेम मीडियम है। ये देखिए देखने में जितनी ज़्यादा लग रही थी हमारी प्याज उतनी ही कम होती जा रही है। ये देखिए प्याज हमारी भुन गई है, हल्की ब्राउन हो गई है, ये देखिए दोस्तों, और ये पक चुकी है इस तरह। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। प्याज हमारी पक गई है, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला आधी चम्मच, बाकी हमने जो मसाला करेले का रेडी किया है वो डालेंगे। गैस की फ्लेम इस समय स्लो रखेंगे। देखे प्याज में हमने मसालों को मिक्स कर दिया है, करेले डाल रहे हैं, अब इसको मसाले में मिक्स कर देंगे करेले को भी। एक को अच्छे से मिक्स कर दिया इस तरह। अब हम इसमें
मसाला डालेंगे जो हमने करेले का मसाला पीस के रखा है। ये मैं करेला मसाला ले रही हूँ 1 चम्मच, जो हमने बनाया था मिक्सी में 2 चम्मच। इसे महीन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसा है मैंने। इस तरह मैंने 2 चम्मच इसमें करेले का मसाला डाल दिया है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक के पकने देंगे। ये मैंने ढक दिया है और थोड़ी देर पकने देते हैं इसे ढक के, फिर हम बीच में चेक करके देखते रहेंगे ताकि हमारे करेले जले नहीं। चीज़ों को मिक्स, सभी मसालों को करेले में मिक्स कर दिया है इस तरह। अब हम नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी करेले में डाला है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो नमक तेज़ हो जाएगा। मैं 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार है। नमक लेने के बाद एक चीज़ और डालेंगे हम, या 1/2 चम्मच से भी कम चीनी है, ये इसके कड़वाहट को और खट्टेपन को बैलेंस करेगी। अभी हमने इसमें अमचूर पाउडर नहीं डाला है, खाली हमने नमक और मसाले ऐड करें इसमें। अब इसे हम ढक देंगे और हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। ढक दिया है, थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा ड्राई लग रहा है क्योंकि हमने मसाले डाल दिए हैं इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 4 चम्मच के लगभग, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे ताकि मसाले जो सूखे हैं वो अच्छे से पक जाए। 1 स्पून, 2, 3, 4 स्पून हमने इस तरह इसमें पानी डाल दिया है ताकि मसाले जो हैं हमारे वो जले नहीं। आपको यदि लगे कि आपके मसाले जल नहीं रहे तो आप पानी ऐड ना करें, इस समय ज़्यादा मसाले ड्राई हो गए हैं, इसलिए मैंने 4 चम्मच पानी इस्तेमाल किया है। अब इसे हम फिर ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। इसे ये देखें, ये अच्छे से भून गई है, अच्छे से पक भी गई है और अच्छे से भून भी गई है। ये देखें दोस्तों, हमें इसी तरह इसे भूनना था और ऑयल भी हमने ज़्यादा यूज नहीं। अब इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, 1 स्पून भर के अमचूर पाउडर है। मैं इसमें आम का मसाला डाल रही हूँ। ये जो मेरे घर में आम का अचार है, मेरे अपने घर में आम का अचार डाला था, उसी से मैं 2 स्पून आम का मसाला डालूँगी। इससे इसकी कड़वाहट बहुत कम होती है। चलिए डाल लेते हैं। एक स्पून मैं डाल चुकी हूँ, 1 स्पून और लूँगी। इस तरह मैंने 2 स्पून आम का मसाला और आम का ऑयल निकाल के डाला है। अब इसे हम अच्छे से अलग पलट करते हुए पका लेंगे। अमचूर पाउडर भी हमने यूज कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, अब इसे हम इस तरह चलाते हुए ही पकाएंगे। इनके पका रहे हैं थोड़ी देर, अमचूर पाउडर और सब चीज़ें हमने डाल दी है। अमचूर पाउडर आप खट्टा इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस इसको हम 8 से 10 सेकंड और इस तरह भूनेंगे खोल के किए, और इस तरह ये ऑयल भी छोड़ने लगा है करेला और प्याज। ये देखें, अब हम इसे सर्व करेंगे। गैस की फ्लेम बंद कर रहे हैं, इसे पकाते हुए 8 से 10 सेकंड हो गया है मुझे। अब मैं इसे गैस की फ्लेम बंद करके सर्व करूँगी। दोस्तों, मेरे करेले की सब्जी रेडी है। ये मैंने काट के प्याज और करेले को बनाया था और ये बहुत स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती है। पहले आप इसको बनाइए, फिर बताइए मुझे आपकी सब्जी कड़वी बनी या नहीं। जिस तरीके से मैंने बताया उसे फॉलो करते हुए बनाएंगे, बिल्कुल सब्ज़ी कड़वी नहीं बनेगी। एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। और इसको आप 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो ये सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इसको एकदम फ्राई करके बनाया गया है, ये लंबे टाइम तक चलती है।
कम से कम इसे 10 से 15 दिन आप स्टोर कर सकते हैं। बनाइए, खाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।